अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। इस टाइम आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो सबसे पहले गेस करें आप। गेस कर लिया, नहीं समझ आई, चले मैं आपको बता दूँ। इस टाइम मैं नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ हूँ, तो आज मैं आपको नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाता हूँ। प्रॉपर तो विज़िट नहीं करवाता, लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी यूनिवर्सिटी का आप लोगों को, डिपार्टमेंट्स की भी, ईच एंड एवरीथिंग की भी, हर चीज़ की मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँगा। क्योंकि आज थोड़ा शॉर्ट टाइम था मुझे, मैं यहाँ पे काम से आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक आपको बना कर छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ज़रूर बनाऊँगा। इसके अलावा मैं CIU यूनिवर्सिटी में भी बना रहा हूँ, साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी बना रहा हूँ, और इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर भी मैं अब सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, उनके प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियोस दिखाऊँ आप लोगों को। तो इस टाइम ये देख रहे होंगे मेरे पीछे बैक पे आप लोगों को, इस टाइम बिल्डिंग जो बन रही है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये जो नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ के डिपार्टमेंट्स बहुत ही दूर दूर हैं, इंसान थक जाता है यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए। इस टाइम ये देखते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका वो है, अगर आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा एक वो है। अब अगर मैंने दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाना है तो मुझे वो एंड पे जाना पड़ेगा, लास्ट में जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये देखें इस तरह, ये भी डिपार्टमेंट बन रहा है, ये भी डिपार्टमेंट बन रहा है। इसके अलावा अगर मुझे और जाना कहीं पड़े किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो देखें पीछे कॉर्नर में इनके डिपार्टमेंट है। इसके अलावा वो बैक साइड पर भी आप देखें, बहुत बहुत दूर इनके डिपार्टमेंट है। तो बस मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी का ओवरऑल थोड़ा सा बताता हूँ, किस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे। पीछे शोर भी काफ़ी आ रहा है इस टाइम, और चले मैं स्टार्ट करता हूँ, अब आपको ना थोड़ा सा नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, आ जाइए। अभी मैं आप लोगों को म्यूज़ियम की तरफ लेके जाने लगा हूँ, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गाड़ी है वो, जो कि यहाँ साइप्रस के नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, मैं आपको इनका म्यूज़ियम भी दिखाता हूँ आज अंदर से, किस तरह का इनका म्यूज़ियम है। बहुत प्यारा म्यूज़ियम है इनका अंदर से,
तो चले मैं अब म्यूजियम की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। अभी वीडियो बनाई नहीं है और प्यास लग गई है, बहुत थकावट हो गई है। कहते ने ना यार कोई कुछ लै भी लेना चाहिए, कुछ खा पी भी लेना चाहिए है, बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, मौसम बदलना शुरू हो गया है, तो कोई समझ नहीं आ रही है। इस टाइम थोड़ी जी हले वीडियो बनाई है तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, तो हूँ कुछ लैन जा रहे हैं मार्केट। तो पूछे सी एक बंदे नू ते कैसी लग रही है वैसे मेरी पंजाबी, कमेंट से मैं जरूर दस्यो, क्योंकि मेरे सबसक्राइबर मेरी कम्यूनिटी के पंजाबी कम्यूनिटी भी बहुत है, तो उन्होंने वास्ते मैं जरा थोड़ी जी पंजाबी बोलन की कोशिश कर रहा। वैसे है तो मैं भी पंजाबी हाँ, तो हले बोलन का स्टैमिना नहीं है, हूँ मैं जरा पानी पीना, फिर पानी पी के बोता बोलने हैं, ठीक है। तो हले कित जाना नहीं है, हले वीडियो बड़ी पई है। कोल्ड ड्रिंक पकड़ ली है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है बेसिकली, ये एनर्जी ड्रिंक है। थके हुए थे बहुत ज़्यादा, हमें चलने का स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं था, तो एनर्जी ड्रिंक पकड़ के अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। म्यूज़ियम की तरफ जाना था हमने, तो अब म्यूज़ियम की तरफ अभी हम जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ की महंगाई के बारे में बताता चाहूँ नियर ईस्ट की, कि नियर ईस्ट में प्राइसेस जो हैं यहाँ पे टैक्स जो है वो ये 25-30% चार्ज कर रहे हैं। अब CIU की अगर बात करें, CIU में तो इस टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। उसमें जो ये कमीशन चार्ज कर रहे हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर रहे, वहाँ पर जो चीज़ों की प्राइसेस पे टैक्स हैं वो 15% है, 15-20 मैक्स 20 वाली चीज़ें बहुत कम है, मोस्टली 15-17। ये इन शॉर्ट ये कि ये जो हम इस टाइम पी रहे हैं चार्जर, ये वहाँ पे वहाँ से मिला है हमें 4 लीरे का, लिमार्स से, यानी कि CIU से। यहाँ से हमने कितने का लिया है, ये 5 TL का लिया है, तो एक TL खुद ही अब डिफरेंस चेक कर लें। प्राइसेस भी इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में चेक किया करूँगा कि किस यूनिवर्सिटी में प्राइसेस ज़्यादा हैं किस में नहीं है, उसके भी इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर किया करूँगा। ये देखिए इस टाइम मेरे बैग पे आप लोगों को ये आंटी जी नज़र आ रही होंगी, ये आंटी जी खड़ी हुई हैं, ये आंटी ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी में। तो मैं अब थोड़ा सा पी लूँ, पी के थोड़ा सा चार्ज हो जाऊँ, तो बाकी फिर आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। Bye.
बनाना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम होता है। अब पीछे वो देखें कितनी दूर मस्जिद है। अब वीडियो बनाने के लिए स्पेशल मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो मस्जिद के पास ही है बेसिकली कुछ जगह। मैं आपको वहाँ से भी वो भी दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का अगर आप वीडियो पे एक लाइक कर देंगे और नीचे कमेंट कर देंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मेरे चेहरे पर ढेर सारी स्माइल आ जाएगी, और ताकि वो स्माइल की वजह से मैं मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। मोटिवेशन आप लोगों ने देनी है, आप लोग मुझे मोटिवेशन देंगे इंशाल्लाह फिर मैं साइप्रस लाइफ को खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि हम पाकिस्तान में बैठ के हमने साइप्रस का विज़िट कर लिया। तो मैं बता दूं कि नियर ईस्ट आने के लिए आप लोगों को स्पेशल गाड़ी लेके आनी पड़ती है या आपको लिफ्ट लेके आनी पड़ती है, क्योंकि ये मेन रोड से जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसके अलावा यहाँ पे ये नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी पहले भी बताया है, अगेन बता दूँ कि इतनी बड़ी है कि यहाँ पे इंसान के पास कम से कम अपनी गाड़ी होनी चाहिए। जितनी की माशाल्लाह ये बड़ी इन्होंने बनाई हुई है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें कि बिलाल भाई CIU में पढ़ रहे हैं, शायद इसको CIU को प्रेफर कर रहे हैं कि CIU अच्छी है, ये है वो है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। CIU यूनिवर्सिटी जो है उसका बहुत अच्छा उन्होंने मैप बनाया है। लाइक जिस तरह आप लाहौर में कंपेरिजन की बात कर लें पैकेजेज और एम्पोरियम की, एम्पोरियम छोटा है लेकिन जिस तरह का उन्होंने बनाया आप लोगों को भी पता है, पैकेजेस जैसा है वो भी आपको पता होगा। तो बस यही डिफरेंस है। मैं अब इस डिफरेंस के साथ ही आज की वीडियो का एंड करना चाहूँगा। तो देखें इस टाइम यहाँ से अभी
हमने वापस जाना है, तो अब हम कोई लिफ्ट देखते हैं, कोई लिफ्ट मिलती है तो अब हम लिफ्ट लेके वापस जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो यूनिवर्सिटी की बंद है। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट चल रही हो फिर बहुत अच्छा है। खैर, चलते हैं अब। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को आज की वीडियो में। यार बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, आप लोगों को नहीं पता लेकिन मुझे पता है कितना कितना कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पे चल के आया हूँ, कैसे कैसे चल के आया हूँ। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।